गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, का बायो चैप्टर 2 टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू जिसे हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में देखा, कोशिका के बारे में देखा कि कोशिका क्या होती है, हम लोगों ने उस पर विस्तार से देखा और उसे विस्तार से समझा कि कोशिका होती क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है उत्तक के बारे में। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका है, सिंगल है, अकेला है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। और इसी का जब हम लोग समूह कर देते हैं तो इसे हम लोग उत्तक कहते हैं। मतलब समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जिसका उत्पत्ति और कार्य क्या हो, समान हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और सभी अंग का क्या है, कार्य अलग अलग है। तो उन विशेष अंग के जो उत्तक के कोशिकाओं के समूह हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर हमारे संपूर्ण मानव शरीर का या फिर किसी भी जीव के संपूर्ण शरीर का अंग तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। उत्तक, उत्तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो एक कोशिकीय जीव में तो उत्तक पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, कोशिका की संख्या एक से ज़्यादा होगी। तो जब कोशिका की संख्या एक से ज़्यादा होगी तो क्या उत्तक का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये जो है सो उत्तक हम लोग इसमें देखेंगे तो बहुकोशिकीय जीव में ही देखेंगे। मुख्य रूप से हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ा है वह पादप उत्तक और जंतु उत्तक। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उत्तक में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो पादप उत्तक के बारे में देखना है और जंतु उत्तक के बारे में देखना है। इन सभी इन दोनों के उत्तक के बारे में हम लोगों को विस्तार रूप से पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पादप, पादप क्या है, जितने भी पेड़ पौधे वो सभी पादप के होते हैं। दो तरह के मुख्य रूप से जगत होते हैं, एक तो प्राणी जगत होता है और दूसरा क्या होता है, तो पौधा जगत या पादप जगत जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पादप में देखेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वह भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। बस वह क्या कर सकते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने स्थान में परिवर्तन नहीं, स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चल के जा नहीं सकते हैं। वह भी श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उनमें भी परिवहन होता है। तो इन सभी क्रियाओं को देखते हुए हम लोग जानते हैं कि पादप भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो सजीव हैं तो इनमें क्या होगा, इनके जो इकाई है पौधे के शरीर का वह क्या होगा, कोशिका होगा। और कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। तो पौधे में भी बहुत सारी जैविक क्रियाएं, जैविक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक, क्या दोनों में समानताएं हैं, क्या दोनों एक ही प्रकार की होती हैं? अगर पूछा जाए कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक क्या एक प्रकार की उत्तक हैं, दोनों में समानताएं हैं, तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि कोशिका में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उत्तक को समझने के लिए कोशिका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग कोशिका में पढ़े थे कि दो तरह के मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया ये सब जो आते हैं वह प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और जो भी पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं वह सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर देखें तो जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों के दोनों क्या हैं, समान होंगे, दोनों में कोई विभिन्नताएं नहीं आएंगी, क्योंकि यह भी यूकैरियोटिक है और यह भी यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है। तो इसके अनुसार हम लोग देखें तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक समान है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इनके जो उत्तक, इनकी जो कोशिका होंगी, पादप उत्तक की जो कोशिका होंगी उसमें कोशिका झिल्ली से ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो कि जंतु उत्तक में उपस्थित नहीं होती है।
इनमें क्या उपस्थित होगा, तो सेलुलोज उपस्थित होगा, जो कि जंतु उत्तक में सेलुलोज उपस्थित नहीं होगा। तो ये सभी जो है सो विभिन्नताएं हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या विभिन्नताएं हैं। और इसमें जो उत्तक होते हैं, इनमें जो उत्तक पाए जाएंगे उनमें कोशिका विभाजन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जंतु उत्तक से ज़्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है। इनके जो उत्तक होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजनशीलता की क्षमता ज़्यादा होती है। कोशिका विभाजन हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है, तो किसी भी नए कोशिका का जब निर्माण होगा तो किसके द्वारा होगा, किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, तो कोशिका विभाजन के द्वारा होगा। कोशिका विभाजन भी हम लोग पढ़े थे कि दो तरह का होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और यह जो कोशिका विभाजन होता है वह कोशिका चक्र के अंदर होता है, ठीक है। कोशिका चक्र के जो है सो प्रमुख चार स्टेप होते हैं, जिसमें जो है सो कोशिका चक्र में नए कोशिका का निर्माण किस फेज में कंप्लीट होता है, तो एम फेज में कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आगे हम लोग विस्तार से अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।